Hello students, in today's video we will discuss about the second part of the lesson, the monsoon diary. So here is the date, August 2. All night the rain has been drumming on the corrugated tin roof. Puri raat jo barsaat hai wo drumming karti hai. Drumming means falling noisily, awaaz karte hue uske upar girti hai पूरी रात रूफ़ के ऊपर, जो टिन की रूफ़ है उसके ऊपर. देर हैज़ बीन नो स्टॉर्म, कोई तूफान भी नहीं है. नो थंडर, जस्ट द स्टेडी स्विस ऑफ ट्रॉपिकल डाउनपोर, सिर्फ धीमी धीमी जो बरसात है वो हो रही है. इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक, उसकी वजह से मैं अवेक ही जागता हुआ ही लेटा रहा. एट द सेम टाइम इट डजेंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, और सो इट डजेंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, और मुझे सोने से भी नहीं रोक पाया. It is a good sound to read by. The rain outside, the quiet within, and although tin roofs are given to springing unaccountable leaks, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain. जो छत से बारिश की बूंदें गिर रही हैं उनसे ना तो मैं बच पा रहा हूँ और ना ही वो मुझे टच कर पा रही हैं. Next is August 3. The rain stops, बरसात रुक जाती है. द क्लाउड्स बिगिन टू ब्रेक अप, जो बादल है वो बिखरने लगते हैं. द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट, जो सन है उसकी जो किरणें हैं वो हिल्स पर गिरने लगती हैं. ए वुमन इज चॉपिंग अप स्टिक्स, एक औरत को मैंने देखा कि वो चॉपिंग कर रही थी स्टिक्स को. चॉपिंग मीन्स टू कट इन टू पीसेज. आई हियर द टिंकल ऑफ काउबेल्स, मुझे कुछ गायों की जो घंटियाँ बंधी हुई हैं उनके गले में वो सुनाई दी. इन द ओक ट्री ए काउ स्रेक्स द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम हिज फीदर्स एंड काउज डिसकॉन्सोलेटली. वाटर ड्रिप्स फ्रॉम ए लीकिंग ड्रेन पाइप एंड सडनली क्लीन अप प्योर. द सॉन्ग ऑफ द विस्लिंग थ्रस एमर्ज लाइक ए डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द रेवाइन. तो ये कुछ सीन्स हैं जो ऑथर बता रहे हैं अगस्त 3 में, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे. नेक्स्ट इज August 12. एंडलेस रेन एंड ए परमानेंट मिस्ट. एंडलेस रेन हो रही थी, एक परमानेंट जो धुंध है वो आई हुई थी. वी हैवेंट सीन द सन फॉर 8 or 9 days, हमने करीब 8-9 दिन से सन को नहीं देखा था. एवरीथिंग डैम्प एंड सोगी, सब कुछ गीला चिपचिपा हो रखा था. नाउ वी आर टू गो, पेस द रूम, लुक आउट ऑफ द विंडो, और हम कुछ कर भी नहीं सकते, सिर्फ चहलकदमी कर सकते हैं रूम में, बाहर नहीं निकल सकते, या विंडो के पास खड़े होकर के जो इधर उधर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनको अम्ब्रेला लेकर के उनको देख सकते हैं. एटलीस्ट इट इज़ेंट कोल्ड रेन, बरसात जो थी वो सर्दियों की बरसात नहीं थी. द हिल साइड्स एंड लस एज लेट मानसून फ्लावर्स बिगेन टू अपीयर, जो लेट मानसून के फ्लावर्स हैं वो भी अपीयर होने लगे. वाइल्ड बेलेज्म, डहलियाज, बेगोनियस एंड ग्राउंड ऑर्चियड, कुछ फूलों के नाम हैं यहाँ पर जो लेट मानसून फ्लावर्स हैं. नेक्स्ट August 13, 1 page है. इट इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त and the lush monsoon grow has reached its peak. The seeds of the cobra lily are turning red. अगस्त के महीने में जो मानसून है वो अपनी चरम सीमा पर था. लिली कोबरा जो फ्लावर्स हैं वो रेड होने लगे थे, और ये एक संकेत थे कि जो रेन है वो अब एंड होने वाली है, जाने वाली है. इन ए फ्यू डेज द फर्न्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो, कुछ ही दिनों में जो फर्न्स थे वो येलो स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं. बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म, मगर अभी भी वो बिल्कुल फर्म थे, मजबूत थे. ग्रीन एंड अपराइट, हरे थे और सीधे खड़े थे. ग्राउंड ऑर्चिड्स, मैन्यू लेडीज स्लीपर्स एंड द वाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड्स पुट ऑन ए फैशन डिस्प्ले ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ द लैंडोर. वाइल्ड डेलियाज रेड येलो एंड मैगेंटा रियर देयर हेड्स फ्रॉम द रॉकी क्रेविस वेयर दे हैव टेकन होल्ड, जो फूलों के बारे में यहाँ पर कुछ बता रहे हैं कि किस तरह से वो खड़े हैं और कौन से लाल हैं, कौन से पीले हो रहे हैं मानसून के एंड में. नेक्स्ट है स्नैक्स एंड रोडेंट्स, जो स्नैक्स और रोडेंट्स हैं चूहे, फ्लडेड आउट ऑफ देयर होल्स, क्योंकि पानी की वजह से वो अपने होल्स से बाहर आते हैं. टेक शेल्टर इन रूफ्स, छतों पर, आर्टिक्स में, गोदाम्स में शरण लेते हैं. ये श्रू वीक ऑफ आई साइट, श्रू का मीनिंग अगले पैराग्राफ में भी मिल सकता है हमें. एक जानवर होता है छुछुंदर नाम का, जो कि उसकी आई साइट थोड़ी कमज़ोर होती है, कम दिखाई देता है. ब्लंडर्स अबाउट द रूम मच टू द अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों
के अम्यूज़मेंट का एक जरिया होता है, इधर उधर घूमता है तो बच्चे खुश होते हैं। डोंट किल इट, एडमोनिशेस हर देयर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, चुचंदर्स आर लक्की दे ब्रिंग मनी। तो जो दादी माँ है वो बच्चों से कहती है कि चुचंदर को मत मारो, ये लक्की होते हैं। एंड श्योर इनफ आई रिसीव ए चेक इन द मेल, और शायद ऐसा हुआ भी, मुझे एक चेक मिला उस दिन मेल से, नॉट वेरी लार्ज वन, ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, बट वेलकम ऑल द सेम, मगर ये सब अच्छा था मेरे लिए। अक्टूबर 3, वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम मानसून इनटू विंटर रेन, हम सीधे मानसून रेन से विंटर में आ जाते हैं। स्नो एट हर हाई एल्टीट्यूड, जो स्नो है बर्फबारी वो अपने हायर एल्टीट्यूड्स पर है, मतलब चरम सीमा पर है, काफ़ी बर्फबारी हो रही है। आफ्टर एन इवनिंग हेल स्ट्रॉम, शाम के समय हेल स्ट्रॉम ओले गिरते हैं, एंड द स्काई एंड द हिल्स सफ्यूज्ड विद ए ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट, हिल्स के ऊपर जो बर्फ़ है वो चमकती है। नेक्स्ट जनवरी 26, विंटर रेन्स इन द हिल्स, इन द हसेट साइलेंस ऑफ द हाउस व्हेन आई एम क्वाइट अलोन एंड माई फ्रेंड हु वॉज हेयर हैज़ गॉन, इट इज़ वेरी लोनली वेरी क्वाइट एज आई सिट इन द लिक्विड साइलेंस, ए साइलेंस विद इन सराउंडेड बाई द रिदम ऑफ रेन एंड स्टेडी ड्रिफ्ट ऑफ वाटर ऑन लीव्स ऑन लेमन्स ऑन रूफ्स ड्रमिंग ऑन ड्रेंच्ड डहलियाज एंड विंडो पेन्स व्हाइल द मिस्ट होल्ड द हाउस इन ए डार्क केयरस एज आई प्योज नियर ए विंडो द रेन स्टॉप्स एंड स्टार्ट्स अगेन एंड द ट्री इज नो लॉन्गर ग्रीन बट दे मीनेंस विथ मी देयर लोनलीनेस। यहाँ पर कुछ सीन के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह का सीन था उस समय जनवरी के महीने में। दे नेक्स्ट इज मार्च 23, लेट मार्च एंड ऑफ विंटर, जो कि विंटर का एंड का समय था। द ब्लैस्केट कुड आई हैव एवर सीन स्क्वेटेड ओवर मैसूरी एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर, बर्फबारी होती है जो मार्बल्स कंचे होते हैं उनकी आकार के जो ओले हैं वो गिरते हैं। नथिंग लाइक ए हेल स्ट्रॉम टू क्लियर द स्काई, इवन एज आई राइट आई सी ए रेनबो फॉर्मिंग, और जब मैं लिख रहा था तो मैंने एक रेनबो भी देखा। ये रस्किन बॉन्ड जो ऑथर हैं उन्हीं के कुछ डायरी के पेजेस हैं इस लेसन में लिए गए हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।